दोस्तों अगर आपके पास भी SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है तो आप अयोध्या का फ्लाइट टिकट बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हैं। चलिए लैब प्रूफ के साथ टिकट लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैं ट्रिक्स लगा करके यूज कर रहा हूँ जो कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से अयोध्या ले रहा हूँ, जिसका एवरेज प्राइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कभी 8200 का है, कभी 6200 का, और मिनिमम से मिनिमम जो है वो 4328 रुपए का है। लेकिन ये जो 4328 रुपए का है, इसे जैसे ही हम बुक करेंगे तो फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर कन्वीनियंस फीस लगा लगा के मिनिमम तो यहाँ पे 4500-4600 से कम नहीं जाने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 4500-4600 रुपए का आप फ्री में टिकट ले पाओगे अगर आपके पास SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है तो। खैर, इसके लिए हमें जो टिकट है वो MMT से बुक नहीं करना है, हमें बुक करना है SKY स्कैनर से। पूरा वीडियो देखिए, लैब प्रूफ के साथ मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ। और ये हमने SKY स्कैनर ओपन कर लिया, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं दिल्ली से अयोध्या, और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लान है 22 फरवरी को, तो यहाँ पे हम 22 फरवरी सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न डेट नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एक ही टिकट बुक करना है, यानी कि हमें रिटर्न का टिकट नहीं बुक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है केबिन क्लास, तो यहाँ पे मैं इकोनॉमी रखने वाला हूँ और एक ही लोग का मैं टिकट बुक करने वाला हूं, तो एक एडल्ट में सेलेक्ट कर लिया हूं। सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए यहां पे जो सबसे सस्ता फ्लाइट है वो 2870 रुपए का है, और ये है अकाशा एयरलाइन का टिकट है, और ये दिल्ली से अयोध्या का टिकट होने वाला है, डायरेक्ट फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है। और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी फ्लाइट है लेकिन ये सब थोड़ा सा महंगा है, तो हम सबसे सस्ता की तरफ जाएंगे। सेलेक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये क्लियर ट्रिप से अगर आप बुक करते हैं तो 2870 रुपए में हो जाएगा, वहीं पे यात्रा से बुक करते हैं तो 3210 रुपए लगने वाला है। और इसके अलावा तो कुछ और हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें सस्ता में जाना है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए SKY स्कैनर हमें सीधे क्लियर ट्रिप के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, यानी कि क्लियर ट्रिप से हम फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे। कुछ लोगों को अभी तक हिंट लग चुका होगा कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री में ये टिकट को लेके दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट 100-200 रुपए आपको बच जाएंगे, तो पूरा वीडियो को देखिए। तो देख लीजिए ये टिकट जो है वो 2870 रुपए का हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रिक्स ये लगाना है कि अगर आपके पास SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड से 1,00,000 रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं तो 2,000 रुपए का क्लियर ट्रिप वाउचर मिलता है माइलस्टोन बेनिफिट के तौर पे। अगर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये टिकट बिल्कुल फ्री में बुक करने वाला हूँ, अभी 2,000 का बात कर लिया है, आगे और भी हम बात करेंगे। वहीं पे देख लीजिए जो मैं आपको बताया हूँ वो SBI के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन आपको मिल जाएंगे, जहां पे देख लीजिए बताया जा रहा है अगर आप 1 साल के अंदर ऑनलाइन मोड से अगर आप 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो 2,000 रुपए का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा, फिर से 1,00,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो दूसरा क्लियर ट्रिप का वाउचर मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर 2,00,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो 4,000 का क्लियर ट्रिप वाउचर मिलेगा। लेकिन एक फ्लाइट टिकट में आप एक ही वाउचर को यूज कर सकते हैं, तो यानी कि 2870 रुपए का जो टिकट है इसमें माइनस कर दीजिए 2,000 रुपया, तो यहाँ पे बचा अमाउंट 870 रुपया। लेकिन ये 870 के लिए हम दूसरा वाउचर को यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरा उपाय करना है। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई 1,00,000 रुपया मैं स्पेंड कहाँ करूं, 1,00,000 रुपया स्पेंड करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं भारत NXT ऐप को यूज करके बिल्कुल फ्री में। टोटल 100% पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 1,00,000 रुपए ऑनलाइन स्पेंड कर लेते हैं तो आपको इस कार्ड के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट कितना मिलेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्रत्येक 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपने 1,00,000 रुपए ऑनलाइन स्पेंड किया, यानी कि भारत NXT से जो आपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, इस हिसाब से आपको मिल जाते हैं टोटल 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट। और इस 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट को आपको रिडीम के ले लेना है Amazon वाउचर, जो कि 5-500 रुपए का 2 वाउचर मिलेगा, यानी कि आपको 1,000 रुपए का वाउचर मिल गया Amazon का। तो अभी तक आपके पास कितना आ गया, 2,000 का क्लियर ट्रिप वाउचर हो गया, 1,000 रुपए का Amazon वाउचर हो गया, यानी कि आपके पास हो गया 3,000 रुपया, और आपका टिकट है 2870 रुपए का। चलिए अब इस टिकट को बुक करके मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पे सीट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा था, हम फ्री वाला सीट को सेलेक्ट करेंगे, और यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जा रहा, आप अपने हिसाब से डाल देंगे। अब देख लीजिए यहां पे पैसेंजर डिटेल हमें ऐड करना है, जेंडर करना है, और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब देख लीजिए दोस्तों फाइनल पेमेंट अमाउंट जो है वो 2621 रुपया ही है। यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई हो चुका है जहाँ पे 739 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे देख लीजिए 2621 रुपया पे करने का ऑप्शन आ रहा है, ये अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पीछे 2,000 रुपए का वाउचर नहीं लगाया है। तो अगर हम वहां पे 2,000 रुपए का वाउचर लगा लेते हैं क्लियर ट्रिप का वाउचर लेकर के, तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट बनता वो 621 रुपए का बनता।
अब ये 621 रुपया हमें पे करना है Amazon पे से। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉलेट का कोई ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये रहा वॉलेट का ऑप्शन, ये रहा ये वाले ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पे देख लिए Amazon पे वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं और 621 रुपया हमें पे करना होगा, क्योंकि पहले 2000 अगर हम वाउचर लगा दिए होते तो 2000 वहीं से कट जाता। खैर हमने वाउचर नहीं लगाया है, अभी डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो फाइनल पेमेंट जो है हमारा 2621 रुपए के आ रहा है। तो यहां पे मान के चलो कि लगभग 400 रुपया आपको बच ही जाएंगे, यानी कि 400 रुपया जो बच रहे हैं इसको आप विंडो सीट में स्पेंड कर सकते हो, यानी कि विंडो सीट ले सकते हो और दिल्ली से अयोध्या फ्री में ट्रेवल कर सकते हो SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से। अब एंड में मैं आपको कुछ डाउट को क्लियर करना चाहूंगा जो मेरे मन में भी सवाल आ रहे हैं कि आप सोचोगे कि भाई ये एक साल में करना होता है, ये वाउचर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं, चाहे आज ही आपने स्पेंड कर लिया तो आप कस्टमर केयर को मेल डाल दो। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हमने इस तरीके से स्पेंड करने के बाद उनको मेल डाला कि हमारा वाउचर भेज दिया जाए, हमने 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लिए हैं, तो वो इमीडिएटली 1 से 2 दिन के अंदर आपको वाउचर भेज देते हैं। वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्लियर ट्रिप का वाउचर चाहिए या यात्रा ऐप का वाउचर चाहिए, तो आप देख लेंगे जिसके ऊपर सस्ता टिकट मिला उसका वाउचर आप ले लेंगे। ये तो रहा 2000 का बात, और बाकी जो 1,000 जो आप रिडीम करोगे रिवॉर्ड पॉइंट को, वहां पे भी आपको 2 दिन के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उसे आप रिडीम करते हैं अगले दिन या उससे अगले दिन यानी कि 1-2 दिन में वो भी आपको मिल जाते हैं, यानी Amazon वाउचर भी आपको मिल जाते हैं। टोटल 3 से 4 दिन का काम है, आपको यहाँ पे 3,000 रुपया बढ़ेंगे, आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपके पास SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जाइए, कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट वर्चुअल जनरेट होकर के मिल जाएगा सिविल अगर ठीक ठाक है तो। बाकी दोस्तों चैनल पर नए आओगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जेन्युइन जानकारी मैं दिया हूं, क्योंकि फ्री वाला चीजों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्री वाला बोल करके हमने सही जानकारी नहीं दिया तो मुझे पता है कमेंट बॉक्स में क्या हाल होगा मेरा। तो जाइए आप भी ये कार्ड को अप्लाई करिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।